तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में 100% डिस्क यूजेस अगर हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि फर्स्ट प्रोसेस में करना क्या है। फर्स्ट प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है दिस पीसी, और आपको यहाँ पे दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको सर्विसेज का एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस मेन के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिस नेम के यहाँ के नेम से मैं यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस मेन का आपको यहाँ पे एक सर्विस दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्विस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। इसको प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है, मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट है। तो आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है, इसे डिसेबल कर लेना है और इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है इसे। और ये मेरा जो है ये जो मेरा सर्विस है ये डिसेबल हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसी सर्विस पे राइट क्लिक करना है और इसे स्टॉप कर देना है। आपके यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये सर्विस जो है ये स्टॉप भी हो गया है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे एक और सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कनेक्टेड डिवाइसेस प्लेटफॉर्म सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे एक और सर्विस को फाइंड आउट कर रहा हूँ, कनेक्टेड डिवाइसेस प्लेटफॉर्म सर्विसेज। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा, कनेक्टेड डिवाइसेस प्लेटफॉर्म सर्विस का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस पे भी राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। इसके प्रॉपर्टीज में आने के बाद और आपको यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इसे भी डिसेबल्ड कर लेना है और इसे अप्लाई करना है, देन इसे ओके कर लेना है। और आपको वापस से इस पे राइट क्लिक करना है और इसे स्टॉप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे स्टॉप कर देना है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पे आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रेगमेंट, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर जिन लोग के लैपटॉप में या जिन लोग के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो उन लोग के लिए ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। तो आपको इस प्रोसेस को आपको करना है जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ऐसे फिलहाल तो अभी मेरे सिस्टम में SSD लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेंज सेटिंग का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेंज सेटिंग्स का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक चेकबॉक्स आपको दिख रहा होगा रन ऑन ए शेड्यूल्ड का, तो आपको इस चेकबॉक्स से चेक मार्क को हटा लेना है, मैंने इसे अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद और आपको इसे ओके करना है। और यहाँ पे मेरा जो ये है ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस है यहाँ पे जो डिफ्रेगमेंट पे होता है मेरा सी ड्राइव, तो यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑफ हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। तो ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है अप डेट, और आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है चेक फॉर अपडेट्स का। तो आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज को कम्प्लीटली अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अपडेट होगा, जो आपके विंडोज का जो लेटेस्ट अपडेट होगा यहाँ पे चेक होगा। अगर बाय द वे आपके विंडोज अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा थर्ड प्रोसेस हो गया। जैसे मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ। फोर्थ नंबर प्रोसेस में करना क्या है कि आपको अपने टास्क बार पे जाना है, मैंने अपने माउस के कर्सर को अपने विंडोज के टास्क बार पे लेके आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है। टास्क मैनेजर वाले ऑप्शन में आने के बाद और आपको यहाँ पे स्टार्टअप का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मेरे सिस्टम में इनबिल्ट यहाँ पे वर्क करते रहता है, मेरे विंडोज के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क करता ही रहता है। जिसे जिसे आप इनेबल किए हो यहाँ पे, वो जितने भी सॉफ्टवेयर है आप
आपके विंडोज के बैकग्राउंड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्क करते रहता है, जिस कारण से यहाँ पे 100% यूजर्स यहाँ पे शो होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को, मैंने इनमें से जो जो आपको जरूरत नहीं है, जिनका नीड नहीं है, उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है, और जिन सभी का आपको यहाँ पे जरूरत है उसे आपको डिसेबल नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोर्टाना का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कोर्टाना को यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे इंटेल का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, या इंटेल का, या रियल टेक का, या आपके जिस कंपनी का लैपटॉप है एचपी या डेल का, उसके एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको उन जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटेल का जो ये एप्लीकेशन है, मैं इसे डिसेबल नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे काम का है, और आपको भी उसे डिसेबल नहीं करना है। जिन एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको उसे डिसेबल नहीं करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे डिसेबल कर दिया हूँ। और मैं यहाँ पे वन ड्राइव को डिसेबल कर देता हूँ, फोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे रियल टेक का ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसे डिसेबल नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पे स्काइप को डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसे। और मैं स्पॉटिफाई को भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर का, आपको यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है, तो आपको इसे भी डिसेबल नहीं करना है। जो जो एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं है, उन सभी को आपको डिसेबल कर देना है, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आपको अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और जो आपका 100% डिस्क यूजर्स पर जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।